अस्सलाम वालेकुम प्यारे सर, मेरा सवाल ये है कि हम इवोल्यूशन के बारे में क्या बिलीव करते हैं। तुम क्या बिलीव करते हो? एवोल्यूशन क्या चीज है? के हम मंकी से ह्यूमन बने हम हैं। मंकी से दोबारा नहीं बने। मंकी से फिर जो जो मंकी मंकी है उसका क्या कसूर था? बंदर बंदर जा। अब तो एक ये भी थ्योरी आया कि बीटल से आगे एवोल्यूशन हुआ है। बीटल से फलां बना, फलां से फलां, बीटल से बनता बनता इंसान बन गया। तो हर ये गलत है। एवोल्यूशन तो हुआ है, इंसान की डेवलपमेंट हुई है, ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है, जिस्म के अज़ा की हुई और इस ये इंसान बना, लेकिन बंदर से इस तरह नहीं बना। उस वक्त बहुत शक्लें शायद करीब करीब तरीन होती हों एक जैसी, लेकिन बंदरों की अपना एवोल्यूशन होता रहा, जो नस्ल चलती रही, जानवरों की अपनी चलती रही, इंसान की जिंदगी इंसान से बनी। जब पहले जब जमीन ठंडी हुई और फिर सब्जा और पानी है, और ऐसा सब पहले बैक्टीरिया से सब्जा पानी की तरफ तवज्जो हुई, फिर आगे इंसानी जिंदगी अल्लाह ताला ने पैदा की, उसका फिर एवोल्यूशन होता रहा। और जिस तरह एवोल्यूशन होता रहा, तरक्की होती रही, उसके हिसाब से अल्लाह ताला तालीम भी देता रहा रूहानियत की। और जब इंसान कामिल हो गया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, तो दीन भी कामिल हो गया और कुरान शरीफ उतरा, जो अब आइंदा हमेशा के लिए, अब हर बात उसमें लिखी हुई है। एवोल्यूशन अब भी हो रहा है। अब जो कंप्यूटर आज है या बाज इलेक्ट्रॉनिक चीजें आज हैं, वो आज से 20 साल पहले नहीं थी, 30 साल पहले नहीं थी, 50 साल पहले तसव्वुर भी नहीं था, 100 साल पहले कोई नहीं तसव्वुर था। तो ये एवोल्यूशन तो होता जा रहा है, लेकिन तालीम कामिल हो गई। इंसानी एवोल्यूशन जो है वो इंसान से ही हुआ, बंदरों से नहीं हुआ। मैं ये प्रूफ कैसे कर सकती डार्विन हूँ? की थ्योरी क्या जो है ना, वो गलत है। प्रूफ कर सकते हैं तुम किस तरह? वो डार्विन वाले जो थ्योरी को प्रूव करते हैं वो भी तो गलत करते हैं, उससे कोई प्रूफ नहीं है। पहले एक नजरिया था, अब दूसरा नजरिया आ गया है, जी अब उसे पीछे चले गए। वो कहते हैं बीटल छोटा था, बीटल कीड़ा है, उससे बिना आगे है। प्रूफ ये है कि जो दूसरी नस्लें चल रही हैं बंदरों की, वो भी तो चल रही है ना, जी उनमें क्यों ना एवोल्यूशन हुआ?